मध्य प्रदेश के धार में खबर 100 न्यूज लगातार घोटालों का खुलासा कर रहा है, लेकिन वास्तव में शहर में नगर पालिका परिषद में इतने गुल खिलाए हैं कि इनकी धांधलियों के सतत खुलासे हो रहे हैं और शायद आगे भी जारी रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 पर हमारे विशेष संवाददाता विजय बर्पा की एक खास रिपोर्ट। फिर आई सामने धार में खुलासा हुआ कि किस तरह नामगर पालिका परिषद के महकमे के लोग सेफ्टी टैंक साफ करने की मशीन के कार्यों की रसीदों में भी हेराफेरी कर रहे हैं और सरकार और आमजन को लगा रहे हैं लाखों का चूना। दरअसल धार में आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने धार नगर पालिका परिषद में पत्रकारों के बीच नगर पालिका में हुई धांधली की पोल खोली है। मामले में बताया गया कि नगर पालिका के द्वारा जेटिंग मशीन जो कि सेफ्टी टैंक साफ करती है, इस मशीन को बीते दिनों बगड़ी ताज में सेफ्टी टैंक खाली करने भेजा गया। उसकी रसीद चालान आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत के द्वारा जब कार्य कर रहे कर्मी से मांगे गए तो रसीद आरटीआई लगाने वाले को दी गई जो खाली थी, उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। वहीं दूसरी रसीद जो रोकड़ और कैश बुक में जमा नहीं की गई थी। आरटीआई लगाने वाले सुनील का कहना है कि निगम की दो रसीद में ही 5,000 का गबन है, तो 1 अप्रैल 2018 से जो जानकारी मांगी है वह अब तक अधिकारियों द्वारा मुझे दी ही नहीं गई है। साथ ही सुनील ने बताया कि यदि दो रसीद में 5,000 का घोटाला है तो अप्रैल से अब तक आखिर कितना घोटाला किया गया होगा, जनता के पैसों का कितना दुरुपयोग किया गया होगा। उनके मुताबिक यह जेट मशीन पेट्रोल से चलना बताई गई है, जबकि यह मशीन डीजल से चलती है। 1 लीटर में 1 किलोमीटर वाहन चलना लॉग बुक में बताया गया। यह करोड़ों रुपयों का घोटाला है। यदि मुझे जानकारी मिलती है तो उजागर होगा यह घोटाला। इस मामले में बताया जा रहा है कि रसीद कट्टे गुम हो गए हैं। सावंत ने मांगे हैं धार नगर निगम के इस घोटाले में FIR दर्ज होनी चाहिए। सावंत ने कहा कि यदि इस मामले में त्वरित जांच और दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती है तो वह कोर्ट की भी शरण जरूर ले। ये मीटर जो है जेटिंग मशीन जो होती सेफ्टी टैंक साफ करते हैं उसका मीटर है। मेरे पास उतना अधिकार जानकारी मांगी गई थी तो कुछ रसीदों की, उसमें से धार से 35 में केसूर बगड़ी ताज गांव में वहाँ पे जेटी मशीन सेफ्टी टैंक खाली करने गई थी। और जब मैंने सुनकर जानकारी मांगी तो विगत 1.5 माह तक जो पैसा 5,000 रुपया था वो नगर पालिका कार्यालय में जमा हुआ नहीं। मैंने IT सूचना अधिकार जानकारी मांगी तो तत्पश्चात जो है वहाँ के कर्मचारी जो होगा उससे वो रसीद फड़वा दी गई। मैंने सूचना अधिकार जब जानकारी ली और रसीद दी गई तो मुझे इस तरह की है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये मुझे दी गई। मुझे कुछ शंका हुई, शंका के आधार मैंने यहाँ पे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट खाते में जब पैसा जमा होता है तो चालान के माध्यम से पैसा जमा होता है। मैंने चालान की कापियाँ भी दी तो चालान के अंदर भी पैसा जो नगर पालिका कार्यालय दिया है कि उन्होंने कहा कि 4 महीने से हमारे चालान के अंदर पैसा जमा नहीं हुआ। चालान के बाद फिर मैंने रोकड़ और कैश बुक की मांगी कि हो सकता कहीं मेरे से गलती हो रही है, इनसे हो रही है, तो मैंने रोकड़ और कैश बुक की काफ़ी मांगी तो उसके अंदर भी ये मुझे लिख के दिया 20-30 तारीख को कि रोकड़ और कैश बुक दोनों अलग अलग तरह भराते हैं, उसके अंदर भी ये राशि आपके जो रसीद बताई है पैसा हमारे सरकारी खाते में जमा नहीं हुआ। क्या मानते कितने का घोटाला हुआ? बंधु ये मैंने 2 रसीद मांगी थी, दोनों रसीदें में 5,000 का गबन निकला है। तो अगर ये मुझे मैंने 1 अप्रैल 2018 से जानकारी मांगी है वो रसीद कट्टों की तो 30 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक मुझे जानकारी देने गुमराह कर रहे हैं। और मैंने ये जानकारी मांगी तो मुझे यहाँ के कर्मचारी ने काफ़ी परेशान किया। वर्तमान CEO उन्होंने दबाव बना के जानकारी मुझे दी गई है। दूसरा लॉग बुक है, उस लॉग बुक के अंदर की गाड़ी जो है जेटिंग मशीन वो डीजल से चलती है, उसको पेट्रोल खर्चा बताया गया है। बगड़ी यहाँ से 35 किलोमीटर उसके आगे बगड़ी तक 6 किलोमीटर आगे हो रहे, उस आखिरी के 6 किलोमीटर गेप के अंदर 6 लीटर पेट्रोल आती खर्चा बताया, मतलब 1 लीटर के अंदर 1 किलोमीटर वाहन के चलना बताया। तो उन्हें कहा मैं जांच करवाता हूँ,
और उसके बाद ये है कि अगर ये मुझे पूरी जानकारी एक वर्ष में मांगी देती तो धार के अंदर जिस तरह केवल कांड घोटाला उजागर हुआ था पत्र से उसी तरह करोड़ रुपये घोटाला उजाना का, क्योंकि नगर पालिका में एक विभाग रचित करते नहीं करते हैं, कई जगह करते हैं। अब इसलिए शंका लग रही है जनता ने जिस तरह पैसा जमा करा उसका दुरुपयोग हो रहा, अगर ये पैसा सही व्यवस्थित जमा हो तो धार का विकास होगा। हाँ सुनने मुझे भी आया तो इसलिए मुझे जानकारी देनी रही, अगर होते थे मुझे 30 दिन में समय देते हैं, और ये मुझे दो रसीदी मिली है मात्र एक दिन का काम था, है ना, एक दिन में दो रसीद दे सकते, पर इन्होंने मुझे 30 दिन लगा उसके बाद दबाव बना तो मुझे जानकारी मिली है। मैंने सीमा साहब को 409 और इनके 2120 के अंतर्गत FIR दर्ज होना चाहिए कि अमायत खमत वालों को है कि घोटाला हुआ है, FIR दर्ज होना चाहिए, उसके खिलाफ 7 दिन में तो मैं कोर्ट के अंदर जाऊँगा सीएमओ के खिलाफ, क्योंकि पूरे सीएमओ को करने का अधिकार है ना, PIC को कुछ भी नहीं है। और जिस तरह सीएमओ ने अभी सुना अंदर आपको कहा कि मैं अन्य रसीद करते देखूँगा, मेरा निवेदन है कि अन्य रसीद करते नहीं, मैंने जो शिकायत करी उसी की FIR दर्ज होगी और होना चाहिए, यही मुद्दा बहुत बड़ा और ये बहुत बड़े सबूत है। आपको बता दें कि नगर निगम की जनता अपने तमाम तरह के टैक्स और अन्य राशियों की भुगतान निगम को इस उम्मीद से करती है कि उनके पैसों का सदुपयोग हो रहा है और शहर के विकास में कोई बाधा भी ना आए, किंतु यहाँ तो चंद अधिकारियों और कर्मचारियों की मनमानी से आम जनता के पैसों में जमकर लूटपाट मचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में फिर एक धांधली सामने आई है, यहाँ के चालाक अधिकारी जनता को लूट रहे हैं, अधिकारियों का खेल क्या ऐसा ही चलता रहेगा, आला अधिकारी और सरकार क्या इन पर कभी कोई शिकंजा कर सकेंगे, यही है आज खबर 100 का बड़ा सवाल।